यार पता है, एक साथ तीन वीडियोस जाएंगे ना, तो मतलब ऐसा ना हो कि बिल्कुल खुशी फूट के ही निकला है। ठीक है, अब इंतजार भी तो बहुत कर रहा है। ठीक है, अब तो जाने दो, भर भर के जाने दो। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं, जब कैपेसिटर में डाइलेक्ट्रिक को इंट्रोड्यूस किया जाएगा तो क्या इफेक्ट पड़ने वाला है चार्ज पर, पोटेंशियल पर, कैपेसिटेंस पर और एनर्जी पर, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए बढ़ते हैं इस वीडियो में आगे। वीडियो में हमारे पास दो केसेस बनते हैं यार, जब डाइलेक्ट्रिक, एक आपके पास कैपेसिटर है, उस कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में आप डाइलेक्ट्रिक को लेकर आ रहे हो और आपको यह पता करना है, और यह 101% स्कूल के एग्जाम्स में आया ही होगा। अब तक आपने एग्जाम्स जितने भी दिए उनमें किसी ना किसी एग्जाम्स में 101% आया होगा, यह बाबा जी की अश्योरेंस है, और आगे भी आने के चांसेस उतने ही हैं दोस्तों। तो देखो, अगर मेरे पास एक कैपेसिटर है, बैटरी से कनेक्टेड था, एक डाइलेक्ट्रिक की स्लैब को मैं इसके अंदर लेकर आ रहा हूं, तो क्या इफेक्ट पड़ेगा कैपेसिटेंस पे, क्या इफेक्ट पड़ेगा पोटेंशियल पे, क्या इफेक्ट पड़ेगा चार्ज पे और एनर्जी पर। तो यार दो केस बनते हैं, या तो आप बैटरी को कनेक्ट करके रखो फिर कुछ करो, या फिर आप बैटरी को डिस्कनेक्ट कर दो। अब अगर मैंने बैटरी को डिस्कनेक्ट किया तो क्या होगा, और बैटरी को कनेक्टेड रहा तो क्या होगा। यार एक कॉमन सेंस बोलता है अपन से, कैपेसिटेंस को एक फॉर्मूला दिया था कैपेसिटेंस का, और जिसने पुराने वीडियोस देख लिए हैं जो मैंने लिंक दी थी लास्ट वीडियोस में, गो थ्रू हो, क्यू इज इक्वल टू सी वी, बस एक फॉर्मूला मैंने तुमसे कहा था याद कर डालना, क्यू इज इक्वल टू सी वी, बार बार बोल रहा हूं, मेरे साथ बोलो, बोलोगे तो सीखोगे, टेंशन मत लेना। क्या सोचता है बाजू वाला, क्या करना अपन को, मैं तो बोल रहा हूं मम्मा को पता चलना चाहिए, रात को 2 बजे बाबा जी से पढ़ रहे हैं और क्यू इज इक्वल टू सी वी बोल रहे हैं, मम्मा सुबह उठ के बोलेंगी क्या था यार वो क्यू इज इक्वल टू सी वी। अच्छा एक बात शेयर करता हूं, एक पेरेंट ने शेयर किया अभी अभी रिसेंटली मुझसे मिलने आए थे, तो उन्होंने शेयर किया कि सर वो बाकी कुछ और याद मुझे नहीं रहता क्योंकि मैं तो बहुत एज हो गई है, बट आपका जय हो याद है, क्योंकि जब भी आप वीडियो ख़त्म करते थे और बहुत जोश के साथ जय हो बोलते थे तो रात को ये देख रही होती थी, और जब भी जय हो होता था तो हमारी नींद खुल जाती थी, अचानक से हुआ क्या है मोबाइल में। तो यही एनर्जी हमें लेकर आनी है। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो हमने कहा कि बैटरी कनेक्टेड है, तो यार एक बात बताओ, Q इज इक्वल टू सी वी, कैपेसिटेंस जो है उसको कोई फर्क नहीं पड़ता बैटरी कनेक्टेड हो या ना हो, जब भी डाइलेक्ट्रिक आएगा कैपेसिटेंस के टाइम्स बढ़ जाएगा, क्योंकि फॉर्मूला क्या था, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी पैरेलल प्लेट का, और अगर मीडियम आता था तो क्या होता था, एप्सिलॉन नॉट के साथ के आ जाता था, मतलब कुछ भी हो जाए के टाइम्स बढ़ना तय है। तो दोनों केस में, चाहे बैटरी कनेक्टेड हो अथवा बैटरी कनेक्टेड ना हो, आप अगर आपसे कोई कहे कि डाइलेक्ट्रिक स्लैब लाई गई कैपेसिटर के अंदर, तो कैपेसिटेंस जो नया कैपेसिटेंस होगा सी न्यू, दैट विल बी के टाइम्स ऑफ सी ओल्ड, मतलब इट विल इंक्रीज के टाइम्स। दोनों केस में आसान करने के लिए कंपैरेटिव स्टडी कर रहे हैं हम। चलो अब देखो पोटेंशियल डिफरेंस, एक बात बताओ भाई, तुम घर से या तुम मजार से कहीं से भी एक सेल तुम्हारे पास आया और उस सेल के तुमने दोनों टर्मिनल को कनेक्ट किया, 2 वोल्ट का था तो 2 वोल्ट रहने वाला है ना वो, ऐसा तो नहीं होगा कि बदल जाएगा, और अगर हाँ ऑब्वियसली थोड़ी देर के बाद डिस्चार्ज होगा वो, बट जब आप बैटरी से कनेक्टेड हो और मान रहे हैं कि उसका पोटेंशियल कम नहीं होगा, तो भाई ये मेरे पास जो भी पोटेंशियल था, क्योंकि ये तो कनेक्टेड है, अगर कनेक्टेड है तो पोटेंशियल ड्रॉप पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कब, जब बैटरी कनेक्टेड है भाई, बैटरी 10 वोल्ट की थी, कैपेसिटर कनेक्टेड था तो 10 ही रहेगा चाहे कुछ भी हो जाए, इसका मतलब है जब बैटरी कनेक्टेड होती है तो पोटेंशियल पे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब चार्ज पे, तो भाई क्यू इज इक्वल टू सी वी, अब आप बताओ पोटेंशियल पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, कैपेसिटेंस के टाइम्स बढ़ गया, अरे यार बताओ ना आंसर क्या होगा, ये कांस्टेंट है, ये के टाइम्स बढ़ रहा है, मुझे पता है तुम बोल रहे हो उस साइड, चार्ज के टाइम्स बढ़ गया, मतलब जो न्यू चार्ज है दैट इज के टाइम्स ऑफ ओल्ड चार्ज। बहुत इंपॉर्टेंट है भाई ये वीडियो, ध्यान रखना।
एनर्जी स्टोर्ड, भाई बहुत सारे फॉर्मूले हैं, हाफ सी वी स्क्वायर याद रहता है, हाफ क्यू वी भी है हमारे पास, हाफ क्यू स्क्वायर बाय सी भी है हमारे पास, तो यार इतने सारे फॉर्मूले हैं, तो इसमें अगर तुमसे कोई कहे एनर्जी स्टोर्ड कौन सा फॉर्मूला लें, तो भाई वी कॉन्स्टेंट है, जब ऐसा फॉर्मूला उठाओ जिसमें वी मिल जाए, तो इस बार मैंने उठा लिया कौन सा, हाफ सी वी स्क्वायर। अब वी अगर कॉन्स्टेंट है, सी के टाइम्स बढ़ रहा है, तो एनर्जी भी कितने टाइम्स बढ़ जाएगी, के टाइम्स बढ़ जाएगी। तो इसका मतलब है कि जब बैटरी कनेक्टेड है उस समय सी बढ़ रहा है, यू बढ़ रहा है, क्यू बढ़ रहा है, और पोटेंशियल क्या है, कॉन्स्टेंट है। ठीक है, अब आते हैं अपन, जब बैटरी डिसकनेक्टेड है, मतलब बैटरी कनेक्टेड नहीं है और आप कैपेसिटर के अंदर डाइलेक्ट्रिक को लेकर आ रहे हो, क्या होने वाला है, क्या होने वाला है, तो भाई कैपेसिटेंस बोल दिया था, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, वो तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, के टाइम्स बैटरी कनेक्टेड हो या ना हो, बार बार बोल रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आपने बैटरी कनेक्टेड नहीं है, अगर कनेक्टेड नहीं है तो जो चार्ज था वो चार्ज, देखो कैपेसिटर में चार्ज तो फ्लो होगा नहीं क्योंकि डाइलेक्ट्रिक अलाउ ही नहीं करता, तो इसका मतलब है बैटरी है नहीं, चार्ज कहीं से आ नहीं सकता, इसका मतलब क्या कि चार्ज कांस्टेंट रहने वाला है, पोटेंशियल नहीं, चार्ज कांस्टेंट रहने वाला है, तो चार्ज कांस्टेंट हो गया जब बैटरी कनेक्टेड नहीं है, तो ऑब्वियसली भाई फ्रिज में कुछ खाना ही नहीं बचा अब तुम्हारे पास, और मम्मा ने किचन का डोर बंद कर दिया है, अब तुम्हारे पास जो था वही रहेगा ना यार, तो बस वही है जो चार्ज उसके पास था वही चार्ज रहने वाला है, बिल्कुल सिंपल सा लॉजिक है यार। अब आ जाते हैं पोटेंशियल डिफरेंस पर, तो Q इज इक्वल टू सी वी, क्योंकि V चाहिए तो Q बाय सी, अब बताओ Q कांस्टेंट है क्योंकि सेम है, C K टाइम्स बढ़ेगा ही बढ़ेगा, बढ़ रहा है, अगर C बढ़ रहा है तो ये तो वन अपॉन में है ना, इसका मतलब V क्या होगा, कम हो जाएगा, तो मेरा V न्यू जो होगा वो वन अपॉन K टाइम्स हो जाएगा V ओल्ड के, दैट्स इट। अब क्या बचता है, एनर्जी स्टोर्ड, अगर एनर्जी स्टोर्ड देखो तो भाई U इज इक्वल टू हाफ क्यू वी, मैं हाफ सी वी स्क्वायर क्यों नहीं ले रहा, तुम्हारे मन में डाउट आ रहा होगा, तो भाई C भी बदल रहा है V भी बदल रहा है, मुझे दोनों के इफेक्ट को देखना पड़ेगा, क्यों देखूं जब मेरे पास एक फॉर्मूला है जिसमें हाफ क्यू इंटू वी है, सेम फॉर्मूला है, एनर्जी का ही फॉर्मूला है, मेरा क्यू कॉन्स्टेंट है, तो मुझे क्यू के बारे में सोचना ही नहीं है, किसके बारे में सोचूंगा, V के बारे में सोचूंगा, बताओ भाई V पे क्या इफेक्ट पड़ा, V K टाइम्स कम हो गया, जब V K टाइम्स कम होगा तो ऑब्वियसली एनर्जी भी K टाइम्स कम हो जाएगी, क्योंकि Q, U और V एनर्जी और पोटेंशियल डिफरेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसका मतलब है एनर्जी भी K टाइम्स कम हो जाएगी। जल्दी से ले लो स्क्रीन शॉट, इसके बाद एक छोटी सी बात और करते हैं। वापस, तो भाई इसको याद रखने की एक बाबा जी की बूटी लेते जाओ। बाबा की बूटी सेक्शन में आपका स्वागत है। तो बहुत सिंपल सा लॉजिक है भाई, और ये क्या कहता है हमसे कि अगर बैटरी कनेक्टेड है, बैटरी कनेक्टेड है, एनर्जी सोर्स कनेक्टेड है, इस तरह से मैं याद रखता हूं, अगर एनर्जी सोर्स कनेक्टेड है, अगर तुम कैपेसिटर में के अंदर डाइलेक्ट्रिक लाओगे तो कैपेसिटेंस पे तो सोचना ही नहीं है, पोटेंशियल सिर्फ, जब बैटरी कनेक्टेड है तो पोटेंशियल कांस्टेंट होगा, बाकी अगर एनर्जी का सोर्स कनेक्टेड है तो सब कुछ बढ़ेगा, आप बात करो जिसकी भी, आप चार्ज की बात करो चार्ज बढ़ेगा, आप एनर्जी की बात करो एनर्जी बढ़ेगी, बैटरी कनेक्टेड है तो वी कॉन्स्टेंट, बाकी सब बढ़ेगा, ऐसे याद रखता हूं मैं। अब बैटरी अगर डिस्कनेक्टेड है, मतलब सोर्स नहीं है मेरे पास, सोर्स नहीं है मेरे पास, तो सी को तो कोई फर्क पड़ता नहीं है, सी तो इंक्रीज होगा ही होगा, इस तरह दिमाग में बिठा के रखो, बैटरी कनेक्टेड नहीं है तो क्यू, मेरा पेट खाली है, जितना रहेगा उतना ही रहेगा, इसका मतलब है क्यू कॉन्स्टेंट है, क्यू सेम रहेगा, और भाई जब बैटरी नहीं है तो क्यू तो कॉन्स्टेंट था, सी तो बढ़ ही रहा था, उसको फर्क नहीं था बैटरी से, बाकी सब कम हो जाएगा, तो एनर्जी स्टोर्ड और पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स डिक्रीज होगा ही होगा, सी बढ़ेगा बढ़ेगा, बोलना मेरे साथ, बैटरी कनेक्टेड है वी कांस्टेंट, क्यू कांस्टेंट अगर बैटरी कनेक्टेड नहीं है तो, वी अगर बैटरी कनेक्टेड है सब बढ़ेगा,
बाकी जो कुछ भी बचा। अगर बैटरी कनेक्टेड नहीं है तो बाकी सब कम होगा। हो गया ना यार याद, इतना आसान सी चीज थी, दिमाग में बैठ जाती तो और अच्छा होता, और बैठ गई है इसीलिए बार बार रिपीट कर रहा था, बहुत इंपॉर्टेंट था। आएगा ही आएगा, ऐसा मेरा इंट्यूशन बोल रहा है। तो जल्दी से इसको कर लिया है तुमने दिमाग में नोट, और याद रखना इंस्टा पर आंसर्स आ जाते हैं विद इन 1 आवर, तो ध्यान से इंस्टा को फॉलो करो बाबा का गैंग, और नेक्स्ट डे आंसर इसी में अपलोड हो जाते हैं। जो इंस्टा नहीं कर पाते हैं वो इसी वीडियो के नीचे लिंक में एक आंसर की लिंक भी आ जाती है डिस्क्रिप्शन में, उस लिंक को क्लिक करके आंसर्स चेक कर सकते हो। रिमेंबर, ये कॉन्सेप्ट्स बहुत ज़रूरी हैं, ना कि सिर्फ एमसीक्यू के लिए बल्कि साथ में हमारे 50 मार्क के कॉन्सेप्ट्स के लिए भी। तो भाई इस वीडियो में इतना ही, जय हो।